आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता। विश्व भर से चारों दिशाओं से कल्याणकारी विचार हमारी ओर आए, ऐसे कल्याणकारी विचारों को आमंत्रित करने वाला यदि कोई देश रहा है, संगत छद्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम, इस विचार की उपासना करने वाला, ज्ञान की आराधना करने वाला, विद्या की उपासना करने वाला, सरस्वती की पूजा करने वाला, बुद्धि की अपेक्षा करने वाला कोई देश रहा है तो वो देश भारत है। और भारत ने सदैव बुद्धि विद्या की आराधना की है, उपासना की है। हमारी इस बुद्धि विद्या तर्कशीलता के माध्यम से संपूर्ण विश्व में विश्वगुरु के पद पर सुशोभित ये भारत रहा है। और इस विचार से ना जाने विश्व के कितने व्यक्तियों को, कितने प्रांतों को, कितने लोगों को भारत ने प्रभावित किया है, आलोकित किया है। इसका केंद्र विचार रहा है। तो इसलिए हम जब किसी भी घटना या किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो समझ में आता है कि उसके मूल में, उसके इनिशियल फॉर्म में कहीं ना कहीं कोई विचार होता है। आजकल जो भी परिलक्षित हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक विचार था। तो इसलिए यदि युवा शक्ति जो भारत देश की है उसके विचार को परिष्कृत कर दिया जाए तो जो कुछ भी घटित होगा, जो कुछ भी आने वाले वर्षों में हमारे समक्ष में दिखेगा वो कुछ सुंदर होगा और रचनात्मक होगा, और उस विश्वगुरु भारत की तरह संपूर्ण विश्व को आलोकित करने वाला होगा। तो इसके युवाओं के माध्यम से उस संवाद की परंपरा को, आज भारत के पास दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं। भारत के पास सबसे बड़ी विरासत है हमारी ज्ञान परंपरा, और सबसे बड़ी शक्ति यदि आज कोई है तो वो है हमारी युवा शक्ति। भारत माता के सहस्त्रों हाथ, उस ज्ञान परंपरा की संवाहक आज की युवा शक्ति कैसे बन सकती है और किस प्रकार ये युवा शक्ति आपस में चिंतन मंथन मनन अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय विचार विमर्श और संवाद करके एक पुनर्जागरण, एक बौद्धिक और वैचारिक पुनर्जागरण भारत में कर सकती है, इस विचार के साथ, इस मूल संकल्पना के साथ इस फोरम, यंग थिंकर्स फोरम नाम के इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। और इसके माध्यम से एक हेल्दी डिस्कशन, एक ओपन डायलॉग शुरू करने की पहल की गई है। वो संवाद जो भारत में संवाद से ही हमें सारा अमृत मिला है। यहां संवाद हुआ तो हमें श्रीमद् भगवद् गीता मिली, यहां संवाद हुए तो हमें उपनिषद मिले। तो संवादों की श्रेष्ठतम परंपरा का संवाहक भारत देश रहा है। उस संवाद की परंपरा का वितंड या जल्प नहीं, कुतर्क नहीं, एक स्वस्थ संवाद जिसमें गहराई हो, जो सत्य का अन्वेषण करे, जो ट्रुथ की खोज करे, जिसका उद्देश्य सत्य जानना हो, ना कि केवल जीतना, ना केवल विक्ट्री, एक ऐसा संवाद जिसमें गहराई हो, एक ऐसा संवाद, एक ऐसा डायलॉग, एक ऐसा डिबेट जो इन्फॉर्म्ड हो, जो कॉम्प्रहेंसिव हो, जो डिस्टॉर्टेड ना हो, जिसमें कोई प्रोपेगेंडा ना हो। और आज के समय में यदि हमारे युवा बौद्धिक रूप से परिष्कृत नहीं है, वैचारिक रूप से स्पष्ट नहीं है, तो उनका ब्रेन वॉश होना तय है। क्योंकि आज के समय में हर एक मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई एजेंडा है, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा है। तो जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो इसी प्रकार हमारा अवेयर ना होना, हमारा बौद्धिक रूप से परिष्कृत ना होना, हमारे अंदर वैचारिक स्पष्टता ना होना, आज के समय में हमारी ही दुर्बलता होगी, हमारी ही गलती होगी। तो इसलिए हमारे युवाओं के बीच में दो उद्देश्य पूरे हो सके, ज्ञान वर्धन और भ्रम निवारण। युवाओं का ज्ञान वर्धन हो सके, भ्रम निवारण हो सके। जो सत्य छिपाया गया है, सत्य के ऊपर जो आवरण डाला गया है कई वर्षों से, कई दशकों से, कई सदियों से, वो आवरण हट सके, जो अर्धसत्य बताया गया है पूर्ण सत्य बताया जा सके, और इतने वर्षों से जो झूठ बताया जा रहा था उस झूठ का पर्दाफाश हो सके, इसके लिए इस तरह के आयोजन, इस तरह की गतिविधियां, इस तरह के संवाद अत्यावश्यक हैं।
ऐसी आवश्यकता महसूस हुई और इसलिए यंग थिंकर्स फोरम और उसके माध्यम से यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव जैसे इस तरह के आयोजन शुरू किए गए।